का आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन पे आप देख सकते हैं भदोही जिले के जगी में अजय विजय स्वीट हाउस एंड रेस्टोरेंट, इस दुकान पे लोगों का मजमा लगा हुआ है। जी हाँ, आज रक्षाबंधन था, भाई और बहन के पवित्र प्रेम का महापर्व रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन पर मिष्ठान की दुकान से लेके तमाम दुकानें गुलजार रही, बाजारों में भीड़ और चहल पहल देखने को मिली। आपको बता दें, रक्षाबंधन पर्व के मौके पर जहां बाजारों में खरीदारी को भीड़ उमड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ रक्षाबंधन पूजनोत्सव कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इसी कड़ी में विनोद श्यामधर अध्यक्ष पूर्वांचल विकास मंच के यहाँ पूजनोत्सव हुआ, तो रक्षाबंधन पर्व पर पवित्र रक्षा बांध कर बहनों ने भाइयों से राष्ट्र के साथ साथ सभी के रक्षा का संकल्प लिया। रक्षाबंधन की शुभकामनाओं की कड़ी में गुरु शिष्य परंपरा के तहत शिष्य रक्षा बंधवाने गुरु की चौखट पे नजर आए। इसी कड़ी में कठौता स्थित श्यामधर स्मारक पर पूजनोत्सव कार्यक्रम में पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष विनोद श्यामधर ने पंडित राधे श्याम उपाध्याय संत जी से रक्षा बंधवाया। इस दौरान रक्षाबंधन की महत्ता भी बताई गई। क्या हुआ सुनिए। ये वैदिक सनातन परंपरा से चला आया है। दृष्टांत यह मिलता है कि जिस समय भगवान वामन देवता अपने अवतार रूप में प्रकट हुए और राजा बलि से तीन पग भूमि उन्होंने मांगा था दक्षिणा से, तो उन्होंने राजा बलि को ये कहा कि आप भी कुछ मांग लो, यह बात ठीक नहीं लगती, सारा ईश्वर हमने ले लिया और आपको कुछ न दें। तो उसने उनसे मांगा था कि हे परमात्मा, जब मैं सुबह उठूं तो जिस तरह मेरी दृष्टि जाए उधर आप ही दृष्टिगोचर हो, आप ही का दर्शन करो। तो भगवान वहाँ बहुत दिन तक रह गए, क्योंकि नाना था, उन्होंने वरदान दे दिया। बहुत दिन बीत गया, माँ लक्ष्मी यहाँ परेशान होने लगी, वैकुंठ हो गए, मेरे भगवान गए कहाँ। नारद जी से समाचार मिला कि वो तो पाताल लोक में राजा बलि की पहरेदारी कर रहे हैं, उन्होंने वरदान दे दिया, तो क्या उपाय किया जाए, कैसे उनको मुक्त कराया जाए। तो नारद जी ने कहा कि राजा बलि को आप अपना भाई बनाए और भाई से मांगिए, तभी भगवान मुक्त हो जाते हैं। तो वही स्वरूप उन्होंने बनाया, गई राजा बलि के यहाँ बहन के रूप में, उन्होंने वही सूत्र बांधा। तो राजा बलि ने कहा कि आप मेरी बहन हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पति देव आपके यहाँ द्वारपाल के रूप में यहाँ 24 घंटे रहते हैं, आपने वरदान ले लिया है कि मैं जहाँ भी जिस तरफ भी देखूँ आप ही दृष्टिगोचर हो, तो आप उनको आज से मुक्त कर दिए, आज वही दे रहा है। बाद में फिर भगवान को उसने मुक्त कर दिया, आशीर्वाद ले लिया मुक्ति का। भगवान ने कहा कि मैं इसको मुक्त करूँगा। बाद में तमाम पौराणिक कालों से महाभारत में द्रौपदी ने बांधा था भगवान की पत्र, उन्होंने रक्षाक्षण दिया था और सारी बीच नारी है कि नजर दुशासन की किरण करने लगा। और भी प्रसंग आते हैं, सुभद्रा ने भी बांधा था, और फिर आगे क्रम में जब मुगलों का और इन सब का अत्याचार बढ़ा और राजस्थान में तो रानी कमावती का जो घटना हुमायूं से घटती है, हालांकि यह कितना सत्य है अतिरंजित किया गया, ऐसा नहीं है कि किसी ने सुरक्षा किया है। अब उस विवादित प्रसंग में हम नहीं जाएंगे, हम उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है, शोध किया है, लेकिन ठीक है, फिर भी जो परंपराएं में आ गई कि एक दूसरे का लोग सम्मान करें, रिश्तों का सम्मान करें, लेकिन अपने यहाँ से आदिकाल से परंपरा रही है। हाँ, शुरू में आचार्य पंडित विद्वान अपने यजमान को सुरक्षा के लिए जो तपहपूत सेठ संत विद्वान तपस्वी गुरु हुआ करते थे, वो उनकी सुरक्षा के लिए इसको बांधते थे और पहले श्रावणी दिन अपने को तपस्वी बनाते थे, तपस्या अर्जित करते थे, और 10 विधि स्नान द्वारा
अपना भी साल भर में जो कुछ भी उनसे गलत सही हो गया है पूजा पाठ कर प्राण तपस्या में, उसका प्रायश्चित वो करने के बाद ही तब किसी को पाने देते थे। और तमाम और परंपराएं हैं आज की हैं, सब यही है, ऐसे धीरे धीरे और सब के कल्याण के लिए होता है। और दो रिश्ते ऐसे होते हैं माता और बहन का जो कि निस्वार्थ होता है, यह इसी को बताता है कि इन रिश्तों की पवित्रता के बराबर कोई रिश्ते नहीं है। इस रिश्ते को हम पवित्र रखें, बहन बेटियों की सुरक्षा करें। और आज का नारी युग है, नारियों पर अत्याचार भी हो रहा है। आदिकाल से व्यवस्था बनाई गई कि नारी की गरिमा हो, नारी की पूजा हो किसी रूप में। अपनी संस्कृति में तो नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, परमात्मा के पहले उन्हीं का नाम, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधेश्याम, हाँ गौरी शंकर, तो उसी सब का ये द्योतक है, अपनी परम पवित्र महान संस्कृति का द्योतक है। सबको बधाई, शुभकामना, रक्षाबंधन और सामाजिक कर्म की सभी की जय हो, सभी का कल्याण हो, इसी भावना के साथ सबको प्रणाम। भाई साहब क्या कहेंगे, आज पूजन उत्सव हुआ है गुरु जी के? तो कहूँगा आज डबल रक्षाबंधन हो गई जी, स्वामी जी भी आ गए और बहनों को राखी आ गई जी, सब मिलकर देखे डबल डबल रक्षा हो रही है। श्री कृष्ण भी सामने हैं, स्वामी दूर दूर बहने बैठी हुई है, सबका रक्षा हो रहा है। आप जैसे स्वाति भी रक्षा कर रहे हैं तो सबकी रक्षा हो रही है, सबकी वजह से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।